दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है डिलीशियस खाने में। आज हम भटूरा बनाएंगे। हमने एक कप सूजी लिया, उसमें हमने भिगो दिया। अब हम चलते हैं अपने भटूरे की तरफ। एक किलो हमने मैदा लिया, उसमें हमने नमक डाला, खाने वाला सोडा और हमने 2 चम्मच तेल डाला। अब हम सबको मिक्स कर देते हैं। देखो, हमने मिक्स कर दिया। अब हमने जो सूजी को भिगो के रखा था उसको भी हम मिला देते हैं उसी मैदे में। अब डालकर हम उसे सारा मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें अपने मैदे को मुलायम ही रखना है, तभी हमारे भटूरे फूले फूले से होंगे। देखो, हमारे आटे गूंद के तैयार हो गए। अब हमने अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया। अब हम इसको मसल मसल कर आटे को गूंदेंगे। देखो, हमारा आटा तैयार हो गया। हम अपने आटे को जितना मसलेंगे उतना ही हमारा भटूरा सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा बनकर तैयार होगा। अब हम अपने भटूरे को 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। अब देखो, 5 मिनट हो गया। अब हम लोइयां काटते हैं अपने। देखो, हमने लोइयां काट लिया। लोइयां काट कर हमने तैयार कर लिया अपने भटूरे के लिए। देखो, अब हम गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा जब गर्म हो जाए तो हम अपने भटूरे को बेलेंगे। देखो, फिर हम अपने तेल को चेक करने के लिए उसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। देखो, हमारा तेल गर्म हो गया। फिर हम अपने भटूरे को डालेंगे उसमें तेल में। फिर हम चिमटे के सहारे उसको अपने भटूरे को फुलाएंगे। देखो देखो देखो, कितने प्यारे से हमारे भटूरे तैयार हो गए। देखो, आप भी ऐसे भटूरा बनाना और हमें कमेंट में लिखकर बताना आपको भटूरे हमारे कैसे लगे। देखो, भटूरा तो हमारे बच्चों को भी प्यारे लगते हैं, सबको हमारे भटूरे अच्छे लगते हैं। आप भी भटूरा बनाना और हमें बताना आपको भटूरे हमारे कैसे लगे। देखो देखो दोस्तों, आपको कैसे हमारे भटूरे फूले फूले से हो रहे हैं। देखो, कितने अच्छे सुंदर से देखो हमारे भटूरे तैयार हो गए। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।